तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मौसम भी ख़राब है। तो सभी विद्यार्थी मेरी बातों को, कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये जो 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मैं 2 मिनट में ही आपको थोड़ा सब कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा, बढ़िया से बता दूंगा। और ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ, और तब से लेकर के आज तक हम लोग जो है आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इस पे एक ताली तो बनता है ना, यानी कि हमारा देश जो है 75 साल हो गए आज़ादी के, और उनमें कई बड़े बड़े हमारे देश के वीर सपूत थे जिन्होंने अपना बलिदान दे करके भारत देश को आज़ाद किया, और उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। उनको हमें हमेशा दिल में रखने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि उनका एक ही नारा था, सत्य और अहिंसा, जिसके बदौलत वो पूरे देश को आज़ाद कराए। उसके बाद कई जो क्रांतिकारी थे वो है शहीद भगत सिंह, उनको कौन भूल सकता है, जिसने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया अपने देश के खातिर। खुदीराम बोस, जो पूरे भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पर लटक गया, वो हमारे देश के वीर सपूत खुदीराम बोस था। सबसे कम उम्र में जिसको फांसी दिया गया वो खुदीराम बोस ही था, और उन्होंने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार कर लिया। हमको उन सभी देश के क्रांतिकारियों को हमेशा दिल में रखने का है मेरे स्टूडेंट, कभी उनको भूलने का नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो हम लोग इस देश में आज़ाद नहीं रहते, हम लोग कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, हम लोग जश्न नहीं मना रहे होते, हम लोग को शोषण किया जाता। लेकिन अगर वो लोग थे तब हम हैं। इसलिए जितने भी क्रांतिकारी हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उन सभी को हमेशा याद करने का है। किसी को याद करो नहीं करो, देश के वीर क्रांतिकारियों को हमेशा याद करना। आप लोग तो पता है कि 8वीं क्लास में झांसी की रानी पर कितना अच्छा कविता है, जो जिस झांसी की रानी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, अपना उसका पति भी मर गया तो भी उसने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। हालांकि उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है, जो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जान न्योछावर कर दिया। उनको हमको याद करने की जरूरत है, हमेशा याद रखने की जरूरत है। यह आज़ादी का 75वां साल पूरा हो गया है, और हम लोग जो ये मना रहे हैं, ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोग 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग को यहाँ से एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमारे देश को आगे ले जाना चाहिए। तो उसमें हम आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, सही देशभक्त का निशानी क्या होता है। सही देशभक्त वही होता है जो जो काम करे वो ईमानदारी से करे। जैसे हम पढ़ा रहे तो हमको ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। कोई किसान है वो ईमानदारी से खेती करे ताकि देश तरक्की करे। कोई डॉक्टर है वो ईमानदारी से डॉक्टरी करे, लोगों की जान बचाए। कोई फौजी है वो देश की सेवा कितने शिद्दत से करता है, आप लोगों को तो पता ही है कि वो एक क्षण भी नहीं सोचता और सीने पे गोली खा लेता है, लेकिन झुकता नहीं है और ना कभी सेना झुकेगा। इसलिए हमें सेना को भी याद करने की जरूरत है। अगर सेना अगर बॉर्डर पर नहीं रहेगा तो हम लोग रात को सो नहीं सकते हैं, ये बात को जान लीजिए दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि देश के जो फौजी होता है वो देश का सबसे बड़ा योद्धा होता है। बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे वीर सैनिक खड़े होते हैं, तब हम लोग रात को चैन की नींद सोते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो समझिए हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग को उन वीर जवानों को भी याद रखना चाहिए। कहीं पे भी आपको रास्ते में वीर जवान दिख जाए, उनको सैल्यूट करने का है, उनको रिस्पेक्ट करने का, उनको इज्जत देने का है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूँ कि जहाँ पर अभी हम रहते हैं, रूम भाड़ा लेकर रहते हैं, तो मकान मालिक जो है उनके बेटे फौज में है। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैं ऐसे
रूम में रह रहा हूँ, ऐसे रेंट के पास वहाँ पे रेंटर के पास में रह रहा हूँ जिनका बेटा वीर फौज में काम करता है, अभी भी है। ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी देश के क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, जितने भी है, जवाहरलाल नेहरू, जो भी है देश के क्रांतिकारी सपूत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको कौन भूल सकता है जिन्होंने पूरे देश को एक बनाया। क्योंकि ना जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे रियासत था, रजवाड़ा था, तो कई लोग चाहता था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। लेकिन सरदार पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, आप लोग को याद रखना चाहिए कि भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो थे, इसलिए हमारा देश एक हुआ। नहीं तो ना बहुत देश कई भागों में बट जाता। आप लोगों को पता है कि गुजरात में उनका जो है पूरा दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उसको नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई क्रांतिकारी हमारे देशभक्त की वाली बात। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपना जर्नी बता देता हूँ एक मिनट के अंदर में, कि जब मैं बसवारा आया था ट्रेनिंग करने के लिए तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं बसवारा में रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मैं पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन आप लोगों के गार्जियन ने, आप लोगों ने इतना प्यार दिया सर को कि सर ने यहीं पर पढ़ाना चालू किया। मैं तो ट्रेनिंग करने आया था, फिर मैं शुरू में 3-4 बच्चों को लेकर के अपने रूम में ही पढ़ा रहा था। ऐसे करते करते मेरा कोचिंग जो है पूरा हाईलाइट में चला गया। क्योंकि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आजकल के स्टूडेंट कितने टैलेंटी होते हैं, अगर हम अच्छा पढ़ाई नहीं देते तो हम बसवारा में नहीं टिक पाते। और मुझे कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा कि ये सर बाहर से आ गया है, यहाँ पे पढ़ा रहा है, पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, हम लोगों को कोचिंग चलने देगा कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। और मैंने सारे संकट झेल करके मैंने इस कोचिंग को इतना बड़े लेवल पे खड़ा किया है, और मुझे अपने आप को गर्व है कि मैं जितना अभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ पूरा बसवारा में अकेला सर पे मैं सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ अभी। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जब आप लोगों को पता है कि सर का जब मैरिज नहीं हुआ था तब सर कितने संकट में थे, अकेला खाना बनाना होता था, हर एक काम करते, मैंने भूखे रह करके मैं इस कोचिंग को साबित किया हूँ कि मैं कोचिंग अच्छे ढंग से पढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं फ्रेंड्स, आप लोग भी जम के मेहनत करने का है, जो भी टेंथ में है मेरे पास, इंटर में पढ़ रहे हैं, उसको जम से मेहनत करना अच्छे ढंग से, क्योंकि मेहनत करिएगा तो फल अच्छा जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा फल। इसलिए आप अपने सर से सीख सकते हैं कि सर कितना मेहनत कर करके एक अजनबी बन के आया था बसवारा में, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और मैं देखो कि अभी मैं कितना अच्छा ढंग से कोचिंग चला रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो मैं ज़्यादा वक्त अब नहीं लूँगा, और आप लोग इसमें शामिल हुए, क्योंकि आज पता है कि 15 अगस्त के दिन में मिडिल स्कूल बसवारा में भी कार्यक्रम था, कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ चले गए, कितने बच्चे DPS चले गए, कितने मॉडर्न में पढ़ रहे हैं तो वहाँ चले गए, अभी यहाँ पर 50% स्टूडेंट ही आया हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, मिडिल स्कूल बसवारा भी जाना ज़रूरी था, अगर सारे बच्चे आ जाते तो ये तो दुगुना तिगुना स्टूडेंट हो जाता है यहाँ पर। तो और विद्यार्थी चले गए हैं स्कूल, मिडिल स्कूल बसवारा, वहाँ पर भी शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि वो आप लोगों का स्कूल है, तो वहाँ भी जाना बेहद ज़रूरी था। तो थैंक यू सभी ने इसमें शामिल हुआ, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।